हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो देखिए, अभी सुबह हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ घर की साफ सफाई करने। उसके बाद नहा के पूजा करना है और नवरात्र चल रहा है अभी। तो सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद जो बहाना है वहाँ पर भी झाड़ू लगाना है। सब जगह झाड़ू लगा के साफ सफाई करके, और देखिए लाइट भी नहीं है आज सुबह से ही, दो मतलब 3 बजे से, इसीलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है सब जगह। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूजा के लिए फूल तोड़ ले रही हूँ। मतलब ये हमारे बाउंड्री के अंदर है, इस वजह से फूल बचा हुआ है, नहीं तो नवरात्र में सुबह सुबह सब लोग उठ के आके मतलब एक भी फूल भी नहीं बचता है। तो ये हमारे मतलब हमने गेट में ताला मार के रखते हैं, इसीलिए बचा है। और जो बाहर से मतलब जो बाहर का फूल है ना, वो सब तो बाकी के जो लोग आते हैं सुबह सुबह तोड़ने के लिए, वो तोड़ के ले गए। ये जो बचा हुआ है अंदर है, इस वजह से बच गया है। तो हम अभी तोड़ ले रहे हैं, नहीं तो अभी मैंने गेट खोल दिया है, कोई अंदर आके फिर फूल तोड़ के लेके चले जाएंगे। इस वजह से मैं अभी तोड़ ले रही हूँ। और ये फूल सब बहुत ऊपर है, तो इसे मैं इसे तोड़ ले रही हूँ इस डंडे से। बहुत ऊंचा ऊंचा है ना, इस वजह से तोड़ नहीं पा रही हूँ। और ज़्यादा फूल भी नहीं है आज। फूल मैंने तोड़ लिया है, अब जा रही हूँ नहाने। नहा के फिर पूजा करना है, तो मैं नहा ले रही हूँ अभी जाके। देखिए, जो जितना मिला उतना मैंने तोड़ लिया। और यहाँ पर देखिए, मेरे बच्चे लोग अभी सो रहे हैं और गर्मी भी लग रही है थोड़ा। तो मैं मच्छरदानी निकाल दे रही हूँ और लाइट भी नहीं है अभी। और ये देखिए, बच्चे लोग कैसे सो रहे हैं। मतलब इनको सीधा मतलब रात को अच्छे से सुलाते हैं, फिर पता नहीं कैसे कैसे इधर उधर होके सो जाते हैं ये लोग। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा है, कैसे सो रहा है, इसे मैं ठीक कर दे रही हूँ। और उधर मेरी बेटी सो रही है। अब ये लोग को उठाऊंगी नहीं, नहीं तो ये लोग पूरा परेशान करने लगेंगे मुझे। तो इन लोगों को अभी सोने दूंगी। और ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ये कपड़ा बिछाना है तो बिछा ले रही हूँ। कल मैंने इसे धो निकाल दिया था धोने के लिए, तो अभी फिर से इसे यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। और जो जो सामान जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पे रख दे रही हूँ। अभी जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके फिर नाश्ता बनाना है। तो सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी नवरात्र चल रहा है तो आप सभी को शुभकामनाएं नवरात्र की। और देखिए, आप लोग पूछ रहे हैं कमेंट में, मैसेज में कि मैं मतलब उपवास रखती हूँ कि नहीं, मतलब फास्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं बस सुबह पूजा कर लेती हूँ, फास्ट नहीं करती हूँ नवरात्र का। तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं उपवास मतलब रह नहीं पाती हूँ ना, इसलिए। तो और बस एक ही मैं व्रत करती हूँ, वो अभी जो जीतिया वो बस व्रत करती हूँ, और कोई भी व्रत नहीं करती हूँ। बस पूजा करती हूँ और खाना खा लेती हूँ। मैं मतलब उपवास नहीं रह पाती हूँ ना, भूख बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस बार से मैं छठ पूजा करूँगी, और मतलब सोच के अच्छा भी लग रहा है, मन कर रहा है करने को, और थोड़ा मतलब लग रहा है कैसे रहूँगी। तो ये सब तो माता रानी की कृपा होगा, छठ मैया की कृपा होगा, अच्छे अच्छे हो जाए। तो इस बार मैं छठ पूजा करूँगी, तो उसका पूरा ब्लॉग पूरा वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे पूजा का शॉपिंग किए कि नहीं, तो देखिए मैं पूजा का शॉपिंग कर ली हूँ, बस वीडियो नहीं बनाया मैंने। अब वीडियो क्यों नहीं बनाया ये भी बता दे रही हूँ। तो जो मैंने बच्चे के कपड़े थे वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे शिलोंग से, और जो मेरा कपड़ा है वो मैं पूजा के लिए, तो वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो आप लोग को ब्लॉग कैसे बना के दिखाती, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और हाँ, जो कपड़ा ख़रीदा है मैंने वो भी दिखाऊंगी, तो वो सरप्राइज़ रहेगा, वो एकदम पूजा के दिन ही देखेंगे आप लोग। जिस दिन हम घूमने जाएंगे उस दिन आप लोगों को दिखाएंगे, तो इंतज़ार करिए तब तक। और जो बच्चों के कपड़े हैं वो सब, बच्चे के कपड़े जो है ना वो सब हम मतलब फिटिंग करने के लिए दिए हुए हैं, तो उन लोग का भी कपड़ा मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं, कई लोग मुझे पूछे कि आपने पूजा का शॉपिंग कर लिया, आपने वीडियो नहीं बनाया था। देखिए, मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग किया है, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोग की वजह से 1K होने वाला है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच। जो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सभी फ्रेंड को थैंक यू सो मच, और जो लोग लाइक कमेंट करते हैं उनको भी। और देखिए, थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए, 1K हो जाने दीजिए प्लीज़। 1K हो जाएगा, 1K होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही हूँ कि 1K कब हो, और 1K होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत मतलब इतना 1K इतना करीब आ गई हूँ ना, एकदम खुशी हो रहा है अंदर से, मतलब अजीब। आप लोग को बता नहीं सकती कि आप लोग को एक सब्सक्राइब, जो एक अगर कोई सब्सक्राइब करता है ना तो बहुत खुशी होता है। तो बस 1K के पास पहुंचने ही वाली हूँ, तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, मेरा 1K हो जाए। और सभी को थैंक यू सो मच। 1K हो जाएगा, उसके बाद हम एक सरप्राइज़ रखेंगे, आप लोग को के साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी तो सरप्राइज़ रहेगा, जब 1K हो जाएगा उसके बाद आप लोग को दिखाएँगे। थैंक यू, बाय।